किसी जंगल में सोनू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया रहते थे। आज टुनटुनी को देखने लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए टुनटुनी का पिता उससे कहता है, सुनो बेटी टुनटुनी, जब लड़के वाले आए तो तुम चुप ही रहना। फिर टुनटुनी अपने पिता से कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ चुप ही रहूँगी। इतने में लड़के वाले भी आ जाते हैं। आइए आइए सेठ साहब, हमारे तो भाग्य खुल गए, जो आपके बेटे से हमारी बेटी का निकाह होगा। देखिए भाई साहब, हम शादी कर तो देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हमें खूब सारे गहने और एक बड़ा सा बंगला चाहिए। आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना हम शादी नहीं करेंगे। देखिए भाई साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन प्लीज आप ये शादी छोड़कर मत जाइए। सोनू चिड़े के कई बार गिड़गिड़ाने पर भी ढोल कबूतर नहीं मानता। टुनटुनी की शादी टूट जाने की वजह से सोनू चिड़े को हार्ट अटैक आ जाता है। अरे पिताजी आपको क्या हो गया, मैं भी किसी से मदद मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चली जाती है किसी से मदद मांगने। थोड़ी ही देर में टुनटुनी जंगल के मुखिया को बुला कर ले आती है। फिर गांव का मुखिया टुनटुनी के पिता को चेक करने लगता है। टुनटुनी ये तो मर चुके हैं। ऐसा सुनते ही टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू निकलने लग पड़ते हैं। टुनटुनी जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम मत रो। मुखिया जी के ऐसा बोलते ही टुनटुनी चुप हो जाती है। फिर मुखिया भी वहां से चला जाता है। फिर टुनटुनी भी अपने पिता को दफनाने चली जाती है। टुनटुनी के पिता के चले जाने की वजह से टुनटुनी अब घर में अकेली होती है, इसलिए टुनटुनी भी खुदकुशी करने की सोच लेती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी खुदकुशी करने चली जाती है। वो एक नदी के पास आ जाती है खुदकुशी करने के लिए। वो जिस नदी के पास जाकर रुकती है वो नदी मायावी होती है। वो नदी में छलांग लगाने ही वाली होती है कि तभी नदी उससे कहती है, रुको चिड़िया, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर टुनटुनी उसे सारी बात बता देती है। सच में तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा सुनते ही टुनटुनी कहती है, अरे क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे, तो फिर मेरे पिताजी को जिंदा कर दो। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, ये सब तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें शक्तियाँ दे सकती हूँ। ऐसा बोलकर मायावी नदी टुनटुनी को शक्तियाँ देने लगती है। शक्तियाँ मिल जाने के बाद टुनटुनी खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगती है। थैंक यू मायावी नदी जी, आपने मुझे शक्तियाँ दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर वहां से टुनटुनी उड़ती हुई चली जाती है। जैसा कि आपने पहले हिस्से में देखा कि टुनटुनी जादुई नदी से शक्तियां पाकर चली जाती है। और अब आगे टुनटुनी को शक्तियां मिल जाने के बाद टुनटुनी के मन में लालच आ जाता है और वो गरीब लोगों से उनकी चीजें छीनने लगती है। एक दिन कालू कौवी फ्रेंच फ्राइज खा रही होती है कि तभी उसके पास टुनटुनी आकर फ्रेंच फ्राइज छीन लेती है। सुना
से ये फ्रेंड फ्रेंड मेरी है। अरे नास्तिक की कलमू ही, तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। फिर टुनटुनी फ्रेंच फ्राइज को साइड रखती है। फिर टुनटुनी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। रिबाइस का बूम चिक चिक बूम। टुनटुनी ऐसा बोलकर काली कौवी की पूंछ में आग लगा देती है। काली कौवी टुनटुनी के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन टुनटुनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर काली कौवी वहाँ से भाग जाती है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।